हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स नमस्कार, मेरा नाम जीतू कुमार और आप देख रहे हैं 5 मिनट ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी ट्रिक जिससे कि आप जो आपको गूगल फ़ोन पे के बारे में आपको पता होगा, गूगल के पे के बारे में आपको पता होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ आज और गूगल पे के कॉम्बिनेशन से आप 3 स्क्रैच कार्ड गूगल पे पर बिना किसी अदर ट्रांजैक्शन के आप कैसे पा सकते हैं। जो आपके दोस्तों 150 वाला एक, आप गूगल पे के यूज़र हो तो आपको पता होगा कि 150 वाला एक स्क्रैच कार्ड मिलता है जिसमें आप 1000 तक विन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज उसी स्क्रैच कार्ड के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे मिनिमम 3, आपको मंथली 5 मिलते हैं, आप अपने ही फ़ोनपे के अकाउंट से 3 स्क्रैच कार्ड कैसे पा सकते हैं। और दोस्तों, मैं इसमें आपको लाइव स्क्रैच करके भी दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, बहुत ही मज़ा आने वाला है वीडियो में, आप अंत तक बने रहिए, बिना स्किप करें। और दोस्तों, ट्रिक आपके जब ही समझ में आएगी जब आप एंड तक वीडियो देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको 2 एप्लीकेशंस की ज़रूरत पड़ने वाली है, एक फ़ोन पे और एक गूगल पे, क्योंकि गूगल पे में आप स्क्रैच कार्ड लेंगे और फ़ोन पे से आपको स्क्रैच कार्ड मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना फ़ोन पे कंप्लीट करना है विद UPI, यानी कि अपना बैंक अकाउंट ऐड करके UPI बना के रखनी है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो वो आप, मैं वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करिए उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और आपको अभी तक आपने फ़ोन पे इंस्टॉल नहीं किया, नए यूज़र हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दूंगा, वहाँ से क्लिक करके फ़ोन पे को इंस्टॉल कर सकते हैं। और आपने अभी तक गूगल पे भी इंस्टॉल नहीं किया है तो नए यूज़र हैं तो आपको मैं गूगल पे की भी लिंक दे दूंगा। और आपको गूगल पे यूज़ करना नहीं आता है, न्यू यूज़र हो आप, तो उसकी भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आई बटन पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। फ़ोन पे को आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में न्यू यूज़र को सबसे पहले अपनी ID क्रिएट करनी है, अपना बैंक ऐड करना, सब कुछ यानी कि कंप्लीट करने के बाद में, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें एक ऑप्शन होता है कि आप पहले तो अपना एक काम करिए, 3 स्क्रैच कार्ड आपको चाहिए तो सबसे पहले तीनों स्क्रैच कार्ड के लिए यहाँ पर एक काम करिए, यहाँ आपको नीचे दिख रहा होगा माई मनी, इस पर आप क्लिक करिए, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ दिख रहा होगा भीम UPI ID, इस पर क्लिक कर लीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपली जब आप, कुछ नहीं होगा, ये मैंने 2 बना रखी है, ठीक है, ये जो 2 हैं ये मैंने बना रखी है, आपको खाली ये दिखेगी जो आपकी प्राइमरी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक रिक्वेस्ट इससे भेज देनी है अपने गूगल पे की, वो जो आपकी UPI ID है उस पर, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ गूगल पे की UPI ID क्या है, ठीक है। चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा प्रोसेस लगेगा इसमें ओपन होने में। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ आना है, यहाँ आके अपने अकाउंट जो है आपका, इस पर क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद में यहाँ कॉपी वाले से आपको अपनी UPI ID कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद में दोस्तों आपको अपने फ़ोन पे में जाना है। फ़ोन पे में जाने के बाद में इसको प्राइमरी बना देंगे, जैसे कि ये मैं आपको एक, ये मैं 2 से स्क्रैच कार्ड ले चुका हूँ, देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जो मेरी ये 2 ID हैं, देखिए एक जीतू कुमार ये वाली 7 वाली है और एक ये मेरी नंबर वाली है, ठीक है। इन दोनों से मैं ले चुका हूँ, ठीक है, एक इससे भी ले चुका हूँ और एक इससे भी ले चुका हूँ, ठीक है। अब JK वाली से मैं न्यू बनाई है मैंने, आप इसे 3 बना सकते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैं अगर इसको डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, ठीक है, पासवर्ड मांगेगा। इसके बाद यानी कि एक ऑप्शन देता है, आप यहाँ पर 3 ID बना सकते हैं या फिर इसको एक्टिवेट रीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको रीएक्टिवेट कर लेता हूँ और ये देखिए, ठीक है, अभी मैं काम करने वाला हूँ आपकी इस पर। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, जैसे कि आपकी ये वाली ओपन होगी यहाँ पर, ठीक है। तो आप जब पहले में तो आप क्या करेंगे, जैसे इस ये है, ठीक है, ये मान लीजिए पहली आपकी ये प्राइमरी है, ठीक है। तो आपको प्राइमरी से एक रिक्वेस्ट भेजनी है अपने गूगल पे की उस पर, ठीक है, UPI पर। तो यहाँ आपको रिक्वेस्ट वाला बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे रिक्वेस्ट वाले बटन पर, और यहाँ से आपको यहाँ आना है भीम UPI ID पर। इस पर आने के बाद में देखिए, मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखी है, लेकिन अगर आपने ऐड नहीं किया तो यहाँ पर करेंगे आप क्लिक ऐड न्यू भीम UPI, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप अपनी ID यहाँ पेस्ट करिए, पेस्ट करने के बाद में वेरीफाई कराइए, और वेरीफाई होते ही आपकी ID यहाँ पर नाम आएगा, आप यहाँ से कंफर्म कर दीजिए, ठीक है। लेकिन मैं ऑलरेडी हूँ तो इसलिए मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना, जैसे आ जाए आपकी ऐड हो जाएगी तो उसके बाद में आपको यहाँ रिक्वेस्ट डालनी होगी, जैसे 150 की मिनिमम अमाउंट है उसमें, लेकिन आपको कुछ ज़्यादा डालना है, जैसे मैं 150 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर डन करिए और यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए। तो जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट सेंड होगी तो ये आपके गूगल पे उस पर पहुँच गई रिक्वेस्ट, ये आ गई मेरे पास, ठीक है। तो आपको सिंपली जाना है रिक्वेस्ट पर, ठीक है, जहाँ आपकी रिक्वेस्ट आई हुई है, यानी कि ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि यहाँ देखिए JK से ये वाली ID से मेरी रिक्वेस्ट आई है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है यहाँ पर और इसको पे कर देना है सिंपली, ठीक है। जैसे ही आप इसको पे करेंगे, सॉरी
मैं गलत कर दिया, ठीक है। आपको यहाँ से पे करना है, इसी से पे करिए जो रिक्वेस्ट आई है, ठीक है। रिक्वेस्ट को यहाँ से प्रोसेस टू पे करेंगे, प्रोसेस टू पे करने के बाद में आप अपना वो डालेंगे यूपीआई, और डालने के बाद में डन कर देंगे तो यहाँ से पेमेंट होगा, और पेमेंट होते ही आपको एक स्क्रैच कार्ड यहाँ पर मिल जाएगा तुरंत। तो आप देखिए यहाँ पर लाइव आपको दिखा रहा हूँ मैं, आपको देखने को मिल रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है प्रोसेसिंग में। तो ये देखिए मेरा एक यहाँ से ट्रांजेक्शन हो गया है, ठीक है। और देखिए आपके सामने ये दिख रहा होगा, मुझे स्क्रैच कार्ड भी मिल गया है। ये देखिए यू आर ना स्क्रैच कार्ड। तो देखिए मेरे पास अभी 3 स्क्रैच कार्ड आप यहाँ देख रहे होंगे, और ये तीनों स्क्रैच कार्ड मैंने लिए हैं अपने फ़ोन पे से, अपनी भीम यूपीआई आईडी बना के। यानी कि आप उसमें मैक्सिमम 3 आईडी क्रिएट कर सकते हैं, और तीनों आईडी में से मैं आपको वहीं लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। आपको इसी तरीके से जैसे ये मैंने प्रोसेस किया है, आपको एक आईडी बनानी है, ठीक है। आपको माई मनी पर जाना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ एक बार फिर से, और भीम यूपीआई आईडी पर जाना है। यहाँ आने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर सेट करनी है अपनी प्राइमरी आईडी, ठीक है, जिससे भी आपको पे करना है। तीनों बना लीजिए, यहाँ नीचे आपको मिलता है ऐड न्यू यूपीआई। आप यहाँ से अपनी तीनों प्राइमरी आईडी या जो भी है मतलब यू आर वो बना लीजिए यूपीआई। बनाने के बाद में दोस्तों अभी मैंने देखी इससे रिक्वेस्ट भेजी है, जब आप इससे एक स्क्रैच कार्ड ले लेंगे इसी तरीके से, तो आप सेकंड वाली पर क्लिक कर दीजिए, तो ये प्राइमरी हो जाएगी। बैक जाइए, बैक जाने के बाद में आप यहाँ से फिर से रिक्वेस्ट करिए उसी पर, इसी पर आप रिक्वेस्ट करिए। मैं ले चुका हूँ इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप इससे रिक्वेस्ट करेंगे तो फ़ोन पे गूगल पे आपकी रिक्वेस्ट जाएगी, गूगल पे वहाँ से पे कर दीजिए, पे करते आपको एक और स्क्रैच कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बैक आएंगे आप, और उसके बाद फिर से आप यहाँ से अभी तीसरी वाली को अपनी प्राइमरी बना देंगे। जब तीसरी वाली आपकी प्राइमरी बन जाएगी तो फिर से आप इससे वही सेम प्रोसेस करिए और वहाँ जाके पे कर दीजिए, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आपको 3 स्क्रैच कार्ड मिल जाएंगे। और दोस्तों आप जब नया आपका नए यूज़र हो, तो आप पहली बार जब इससे पेमेंट करेंगे ना, तो आपको यहाँ फ़ोनपे पर भी 100 रुपये का आपको मिलेगा कैशबैक। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मुझे मिला था, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे मुझे 101 है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर नन यहाँ दिखा रहा है ना, वाउचर आप नहीं सेंड कर सकते, 100 रुपये का मुझे यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी 100 रुपये मिलेंगे, और आपको गूगल पे पर भी आपके स्क्रैच कार्ड मिलेंगे। ये देखिए मैं आपको एक बार शो करा देता हूँ, तीनों मेरे उसी के बने हुए। ये देखिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे मैंने किस किस से लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मेरे जीतू कुमार के नाम से मेरा अकाउंट है, और देखिए तीनों जीतू से मिला हुआ, एक तो ये है अभी वाला जिससे मुझे मिला है, देखिए ये मिला है, ठीक है। और ये देखिए JK, ये वाले फ़ोनपे की URL वो है UPI। इसके बाद मेरा सेकंड था ये वाला जिससे मुझे स्क्रैच कार्ड मिला, देखिए मिला हुआ, और इसकी ये नंबर वाली है, ठीक है। इसके बाद एक जीतू कुमार से होगी, एक ये है, और यहाँ भी मिला है, और ये जीतू कुमार से है। तो दोस्तों ये थी आज की ट्रिक, आपको अगर समझ में नहीं आई है तो मेरी वीडियो को फिर से रिपीट करके एक दो बार देखिए, समझ में आएगी, कंफर्म आएगी। कुछ नहीं करना है, फ़ोनपे पर जाना है अपना, एक भीम UPI से बनानी है, वहाँ पर बनाने के बाद में उसको प्राइमरी करके, और आपको वहाँ से रिक्वेस्ट करनी है, और यहाँ से पे कर देना है गूगल पे से, पे करती है आपको स्क्रैच कार्ड मिलेगा। इसी तरीके से दोबारा जाना है, दूसरी आईडी बनानी है, उसको प्राइमरी करना है, और फिर से रिक्वेस्ट भेजनी है, और यहाँ पे कर देनी है। इस तरीके से आप 3 स्क्रैच कार्ड पा सकते हैं आसानी से, कोई कन्फ्यूजन नहीं है दोस्तों। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बताइए, गूगल पे में फ़ोनपे में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताइए, ठीक है। और इसी तरीके से आप 3 स्क्रैच कार्ड पा सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली है फ्राइडे को, जिसमें मैं आपको स्क्रैच करके दिखाने वाला हूँ लाइव, लाइव स्केच क्या करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अभी मेरे पास 3 है, मैं टोटल 5 करूँगा, 5 करते और ये वाला 1 लाख वाला भी मैं स्क्रैच करूँगा। देखते हैं इसमें कुछ मिलता है या नहीं, या फिर बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अभी तक तो मुझे बेटर लक नेक्स्ट टाइम ही मिला है, लेकिन अब देखते हैं क्या मिलता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ट्रिक अच्छी लगी हो, और आपको 3 स्क्रैच कार्ड मिल जाएँ, तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए बैक आके, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आपको मिलते हैं तो। नहीं मिलते हैं मत करिए, वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए, मुझे मैं बोलता हूँ कर दीजिए आप। अगर आपको स्क्रैच कार्ड इस ट्रिक से नहीं मिलते हैं तो आप डिसलाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब मत कीजिए, ठीक है। और आपको अगर मिलते हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। दोस्तों चलते हैं इस वीडियो में, और फ्राइडे को मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें 5 स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच करूँगा, और इसको भी, क्योंकि अभी मुझे 2 और चाहिए, ये तो मैंने खुद से लिए हैं। और इसी तरीके से आप अपने फ्रेंड से भी रिक्वेस्ट भिजवाते हैं फ़ोनपे से, और उसको पे करते हैं, तो आपको तब भी मिलेंगे, ठीक है। तो आप वो प्रोसेस भी कर लीजिए, फ्रेंड से भी, अब आपका फ्रेंड है या भाई है, उसको भी 2 रिक्वेस्ट मंगवाइए 2 आईडियों से, और उसको भी बोलिए ऐसे करें, वीडियो बताइए उसको, देख भाई वीडियो, और तू भी 3 स्क्रैच कार्ड ले, मजे ले, ठीक है। क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है दोस्तों, इतना तो कन्फर्म है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ठीक है। 5 में से 1 में तो मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए आपको किसी को रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं कि भाई मैं पैसे भेज रहा हूँ मुझे वापस कर दे, या ये कर दे वो कर दे, आप खुद अपने 3 स्क्रैच कार्ड ले सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। दोस्तों अभी आपने वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे बोलते हैं कि 5 के 5 ले लो, 10 के 10 ले लो, लेकिन मैं आपको ओरिजिनल बता रहा हूँ, आप फ़ोनपे से मिनिमम वो सॉरी मैक्सिमम 3 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं स्क्रैच कार्ड, क्योंकि उसमें 3 ही आईडी बना सकते हैं।
तो चलते हैं इस वीडियो में, फ्राइडे को नई वीडियो के साथ मिलते हैं दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, और लाइक डिसलाइक कमेंट अनसब्सक्राइब सब्सक्राइब जो भी करना है कर दीजिए, ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।